हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो आज जो वीडियो देख रहा हूँ वो है शहनाज गिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि उनका शो आ रहा है। तो उसके बिहाइंड द मोमेंट्स थे, वो शो मैं ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्लो में नाम नहीं लिया जा रहा, तो उसकी हर एक मूवी देखी है मैंने और शहनाज को भी सी देखा हुआ मैंने। तो अभी इनके बिहाइंड द सीन देखते हैं, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवाजुद्दीन, अच्छा ये जिस तरह की पहले कर रहा था ना, लो करेक्टर्स, मतलब कि दूसरे लो करेक्टर्स तो उसके जो भी हैं मतलब कि अच्छे थे, लो नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे करेक्टर्स थे, जैसे गैंग उस तरह के करेक्टर्स थे, बल्कि उस तरह के इसको सूट करते हैं। अब ये जो नई नई हीरोइन के साथ आ रहा है ना, थोड़ा सा कम हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा। शहनाज ब्लैक में उफ तबाही है। आपके सामने देखो, आपके सामने एकदम पर्सनैलिटी है बंदे की, जो मर्जी का। यार इसको देख के मुझे ना इरफान खान याद आ गया, भाई ठीक है। ब्लैक में बहुत लग रही है, अच्छी है ना। राइट में देखिए, राइट में इधर देखो, इधर शहनाज शहनाज ने कभी हमें देखे क्या? थैंक यू गाइस। आई आई रख लिया, रखता बंदा। नहीं, वो शहनाज का स्टाइल शहनाज ही करेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, जाओ अब। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग शहनाज है, प्यारी बंदी है यार, अच्छी लड़की है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वाइब्स ही अलग है, उसका करिश्मा ही अलग है ना। शहनाज है, क्योंकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अच्छा लग रहा था। मैं उसकी ना पुरानी मूवीज़ देखता हूँ अभी भी। हम उस दिन मैं और मेरे दो दोस्त थे, हम इकट्ठे इधर ही मेरी तरफ रह रहे थे, ये आपको पता होगा, एक दिन वीडियो नहीं आई लास्ट टाइम, तो गैंगो बसों को लगा के देख तो अच्छी है, अच्छी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।